सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स के अंदर। सो आज का टॉपिक होगा ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर जितने भी ऑप्शंस हमें आते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम ए टू जेड पढ़ेंगे। ये जीपीए क्या होता है, की पास एक्सी क्या होता है, तो ये सब बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करा करो यार, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत दोनों लगती है। तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो करना, सो स्टार्ट करने से पहले मैं दो चार चीज़ें बताना चाहता हूँ। अभी जो मैं पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ वो मैं चला रहा हूँ वर्चुअली। सो पहले जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रहा था वो थोड़ा अलग था, और ये वाला थोड़ा अलग है। और अलग कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। सो मैं कर देता हूँ उसको मिनिमाइज़, और यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो मैंने चला था वो था ये पैरट सिक्योरिटी वर्चुअल, जो कि वर्चुअल मशीन्स के लिए ही बनाया गया था। डायरेक्ट इसको अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डबल क्लिक करते हैं हम इसके ऊपर और ये डायरेक्ट वर्चुअली चल जाता है। बट अभी जो चला रहा हूँ वो है ये पैरट सिक्योरिटी, जो कि एक माना जाए तो रियल पैरट सिक्योरिटी यही है, ये तो वर्चुअल के लिए था। सो प्रॉब्लम क्या थी, उसके अंदर कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही थी, तो मैंने वो वाला हटा के डायरेक्ट ये वाला इंस्टॉल कर लिया। सो एक बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। सो ये रहा हमारा क्रिप्टोग्राफी। तो जिन लोगों को क्रिप्टोग्राफी के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ी सी डिटेल्स उन्हें दे देता हूँ। सो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली इंक्रिप्शन वगैरह इस चीज़ से रिलेटेड होती है। सो अगर हम क्रिप्टोग्राफी के ऊपर ही बात करने लग गए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और उसके लिए एक अलग वीडियो बना देना बेहतर रहेगा। बट आज हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर। सो क्रिप्टोग्राफी अगर आपको अच्छे से जाननी है तो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस अवेलेबल है, या फिर आप कमेंट कर देना, मैं क्रिप्टोग्राफी के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। सो आ जाते हैं इसके ऊपर। सो पहला हमारा है GNU प्राइवेसी असिस्टेंट। सो GPA इज बेसिकली GUI इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, जो कि यह एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल, जो काम करता है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में फाइल को। तो क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, अब थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। सो क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की, प्राइवेट की, ये सब होता है, और उसके बाद जब आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं तो वो यहाँ से पहले इनक्रिप्ट हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर जाके वो डिक्रिप्ट होता है, तब जाके वो बंदा पढ़ पाता है, और बीच में उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। सो ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, ईमेल को, और साथ ही साथ ये की जनरेट करने में भी काम आता है। सो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। सो मैंने खोला इसको GPA को, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके पास अभी प्राइवेट की नहीं है तो आप बनाना चाहते हैं, तो हाँ हम जनरेट की नाव पे कर देंगे। उसके बाद ये हमारा नाम हमसे पूछेगा, तो हम यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं। मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया और फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर ये एक ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। सो अभी इंटरनेट तो मैंने कनेक्ट किया नहीं है, सो मैं एक ऐसे ही कोई भी ईमेल डाल देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। सो उसके बाद ये बोल रहा है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू क्रिएट अ बैकअप कॉपी ऑफ योर न्यू की वंस इट हैज़ बीन जनरेटेड। सो हम इसको कर देते हैं डू इट लेटर, और कर देते हैं फॉरवर्ड। सो यहाँ पे हमें एक मैसेज दे रहा है, योर की इज़ बीइंग जनरेटेड इवन ऑन फास्ट कंप्यूटर, दिस मे टेक अ व्हाइल, प्लीज़ बी पेशेंट। सो इसने हमें साफ साफ बता दिया कि काफ़ी टाइम लग सकता है इसके अंदर। फिर यहाँ पे आ जाता है पासवर्ड। सो पासवर्ड हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, सेम पासवर्ड मैं डाल दूंगा क्योंकि ये सिर्फ ऐसे हम एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, और कन्फर्म में भी मैं डाल देता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो छोटा सा लाइन है, बेसिकली ये है पासवर्ड कितना स्ट्रांग है आपका। जस्ट अभी मैंने सिर्फ नंबर्स डाले थे। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ, और हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा पासवर्ड स्ट्रांग बता रहा है या कैसा बता रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ ही डाला और पासवर्ड इसने कितना स्ट्रांग बता दिया। तो अभी मैं इसको काट के अपना नॉर्मल पासवर्ड ले लेता हूँ और कन्फर्म कर देता हूँ, और उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे ओके। सो अभी यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि 8 फ्रेज का होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, हम इसको काट देते हैं और मूव करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ। सो बस ये एक छोटा सा इंट्रो होगा कि ये GPA कैसे काम करता है और कैसे इसको यूज़ करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो अब हमारा आ जाता है की पास XE। तो अब बात करते हैं की पास XE होता क्या है। सो बेसिकली की पास ई एक फ्री और ओपन सोर्स पासवर्ड मैनेजर है, और अच्छी बात यह है कि ये विंडो पे भी काम करता है, मैक पे भी काम कर सकता है, काली लिनक्स में भी, पैरट में भी, और इवन एंड्रॉयड में भी ये काम कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसकी, और ये हमें एक अच्छा खासा फीचर देता है कि हम ढेर सारे पासवर्ड इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिससे एक फ़ायदा है कि हम हर वेबसाइट के लिए और हर सर्विस के लिए अलग अलग पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और हमें सबको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अपनी एक पर्सनल डायरी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये एक सिंपल पासवर्ड मैनेजर का टूल है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या गारंटी है कि ये सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने सारे पासवर्ड इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं,
सो मैं आपको बता दूं, मैंने ऑनलाइन चेक करा, मैंने 2-3 जगह चेक करा, तो सब जगह आंसर मिला हाँ ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। बट मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं करा है, मैंने अपने कोई भी पासवर्ड इसके अंदर स्टोर नहीं करा है, तो मैं अपने बिहाफ पे नहीं बोल सकता कि ये सेफ है या नहीं है। बट ऑनलाइन जब मैंने चेक करा था तो सब जगह लिखा हुआ था ये सेफ है। सो एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने के बाद एक नॉर्मल सा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी मैं टूल्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कुछ ज़्यादा उसके अंदर डिटेल में नहीं घुसने वाला, क्योंकि उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। सो अगर आपको चाहिए इन टूल्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, तो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। सो हो सकता है मैं इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना दूं। सो ये हमारे सामने खुल गया, एंटर मास्टर की पासवर्ड की फाइल। सो यहाँ पे हम लोग अपने पासवर्ड वगैरह स्टोर कर सकते हैं और इसको यहीं पे कर देते हैं बंद। सो अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर जिस पे एक ताला बना हुआ है, जिसका नाम है सीरी काली। तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। सो अब बात कर लेते हैं सीरी काली है क्या। सो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोग अपने इनक्रिप्टेड फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, अनमाउंट कर सकते हैं अपने इनक्रिप्टेड फोल्डर्स को। सो ऐसा कुछ इसका व्यू है, क्रिएट, वॉल्यूम, माउंट, वॉल्यूम, रिफ्रेश, फेवरेट, मेन्यू। सो ऐसी कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाएगी। सो जब हम क्रिएट पे क्लिक करें तो देख सकते हैं अब ये 3 चीज़ें जो हमारे सामने आ गई। अगर मैं इनके बारे में बताने लग गया तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बोला कि अगर हर टूल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बना दूंगा उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो। सो ये कुछ था सीरी काली के बारे में। सो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो ये दोनों जो एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूं या फिर ना भी बताऊं, क्योंकि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में जानना। आप खुद ब खुद रिसर्च करके देख सकते हैं, गूगल पर जाइए, टाइप करिए कि ये क्या है, इसके यूजेस क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ काम आता है। सो मैंने भी जो आपको बताया ये भी मैंने ऐसे ही करके सीखा है, खुद ब खुद सीखा है। सो आप भी सीख सकते हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यार और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।